हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप यूर रूडिंग एब्सोल्युटली फाइन आज की ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ इन ट्रिक्स का यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो कपड़ों को प्रेस करने के लिए ना आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको प्रेस की जरूरत पड़ेगी कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रेस जो है वो खराब हो गई होती है या फिर कोई स्टूडेंट होते हैं हॉस्टल में रहते हैं उनके पास तो प्रेस होती नहीं है या कभी प्रेस करने के समय लाइट चली जाती है तो आज मैं ऐसी एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप बिना प्रेस के और बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने कपड़ों को जो है बिल्कुल ऐसे आप आ, कर सकते हो जैसे कि अभी अभी आपने प्रेस किया हो तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू छोड़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है अब बढ़ते हैं हमारी पहली ट्रिक की तरफ इस ट्रिक में आपको लेना है एक कुकर कुकर में आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है इतना पानी कि जितना कुकर के तले तक आ जाए ध्यान रखिएगा कि आपको पानी ज्यादा नहीं लेना है तो आप जो है ढक्कन लगा दीजिए कुकर का कुकर में आपको सीटी बजने नहीं देना है सीटी बजने से पहले ही जब हल्का हल्का प्रेशर जो आना शुरू हो जाता है ना सीटी बजने के कगार पे जब आती है तब आप जो है फटाक से गैस को बंद कर दीजिएगा तो जो भी कपड़ा जिसे आप प्रेस करना चाहते हैं उसे आप इस तरीके से प्रेस कर लीजिए इस तरीके से आप दो तीन कपड़े आराम से प्रेस कर सकते हैं कभी हमारे घर पे लाइट वगैरह चली जाती है या स्त्री खराब हो जाती है तो उस केस में आप कुकर का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा कुकर जो है काफी ज्यादा गर्म होता है और हमारे जितने भी कपड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेस भी हो जाएंगे तो ये तरीका आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं पर्सनली मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है अब बढ़ते हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जो है सूखने के बाद भी वैसे ही लगे जैसे कि अभी अभी आपने प्रेस किया हो तब इस ट्रिक का आप जरूर से इस्तेमाल करें जब कभी भी आपको कपड़े धोने हो ऐसे कपड़े जिनको आपको प्रेस करना है तो आप ले लीजिए एक बकेट में पानी तो मैं आपको पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कुछ कपड़े ले लीजिए जिनको आपको प्रेस करना है चाहे फिर वो कोई भी कपड़ा हो चाहे आपका ड्रेस हो या शर्ट हो या टी शर्ट हो या पैंट हो या जीन्स हो कोई भी कपड़ा इस तरीके से आप धो सकते हैं या फिर कोई हमारे ऑफिस के कपड़े होते हैं जिनको तो हमें रोज प्रेस करना पड़ता है तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अब मान लीजिए आपने ये कपड़ों को धो दिया है और ये आखिरी वाला पानी है जो साफ वाला पानी जिनसे हम कपड़ों को अपने निकालते हैं तो ये लास्ट साफ वाला पानी है जिससे हम कपड़ों को निचोड़ करके फिर हम सुखाने वाले हैं तो उसके पहले आपको क्या करना होगा आप ले लीजिए बर्फ तो मैंने यहाँ पे ग्लास में जो है बर्फ जमाया था या फिर आपके पास क्यूब्स हैं तो कटोरी भर के आप आप जो है बर्फ का क्यूब्स ले लीजिए अब जो एक ग्लास भर के बर्फ जो मैंने यहाँ पे जमा किया था वो आपको इस बकेट के अंदर डाल देनी है बर्फ बहुत अच्छा काम करता है हमारे कपड़ों पर कपड़े जब हम निचोड़ के सुखाते हैं जितनी भी सिलवटे वगैरह आती है वो सिलवटे बिल्कुल भी नहीं आएंगी कपड़ों के सूखने के बाद भी यकीन मानिए दोस्तों आपको तो है ना इसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करके देखिए तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कपड़े निचोड़ते हैं ना आपको उसको स्क्वीज़ नहीं करना है तो बस हल्के हल्के से इस तरीके से प्रेस करते हुए सारा एक्स्ट्रा पानी इसका आप निकाल दीजिए आप ध्यान रखिए स्क्वीज़ बिल्कुल भी ना करें और जब भी आप इस तरीके से कपड़े धोएंगे आप इन्हें धूप में सुखाएंगे और तेज़ धूप होनी चाहिए बस सारे ही कपड़ों को इस तरीके से करते हुए इनका एक्सेस पानी निकाल रही हूँ बस जब भी आप इसको सुखाएंगे आप तो कपड़ों को थोड़ा सा झटक दीजिए झटक के उसके बाद आप सुखाइए इन्हें आपको ऐसे इन्हें बिना झटके नहीं डालना है आपको जो है झटकने के बाद ही इसे डालना है इससे पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और कपड़ा भी जो है आपका स्ट्रेट हो जाएगा जब आप लाइट कलर के कपड़े सूखाते तो कोई बात नहीं लेकिन डार्क कलर के जब कपड़े होते हैं तो कपड़ों को उल्टा करके आप सुखाएं इस तरीके से अगर आप सुखा लेते ना कपड़ों को जब कपड़े सूख जाते हैं एकदम जो है धूप के वजह से जो प्रेस होती है ना दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होती है बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने आयरन से प्रेस नहीं किया है इस ट्रिक से आप अपने कपड़ों को धो कर देखिए ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी चलिए दोस्तों एक और ट्रिक आपको मैं बताती हूँ ये एक और तरीका है जिससे बिना बिजली के बिना स्त्री के बिना प्रेस के आप अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले तो शर्ट लिया है मैंने तो शर्ट का बटन लगा लीजिए उसके बाद आपको लेना है, है हैंगर हैंगर तो हम सबके घर पे होता है दोस्तों शर्ट को आप हैंगर के ऊपर अटका दीजिए तो यहाँ पर तो मैंने शर्ट लिया है आप यदि ड्रेस लेना चाहते हैं या कोई फ्रॉक लेना चाहते हैं या फिर कोई टी शर्ट लेना चाहते हैं इस तरीके से हैंगर को आप अटका दीजिए पहले अब आपको यहाँ पर लेना है चिल्ड फ्रिज का पानी ध्यान रखिएगा कि फ्र... पानी जो है आपको फ्रिज का ठंडा ही लेना है हल्के हल्के से पानी आप छिड़क दीजिए कपड़े को पूरा आप गीला ना करें बस जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि ज़्यादा सिलवटें हैं वहाँ वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पानी छिड़क देना है ये ट्रिक भी बहुत ही आसान है दोस्तों इसको यूज़ करके देखिएगा ये ट्रिक बहुत आपको अच्छी लगेगी अब आप धूप में हैंगर के साथ ही कपड़े को टांग दीजिए जैसे जैसे इस पर धूप लगेगी तो इसकी सारी जो सिलवटें हैं अपने आप ही निकल जाएगी और आपको लगेगा कि अभी अभी जो है कड़क प्रेस करके आपने कपड़े को रखा है आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है धूप इतनी ज़्यादा है इसका फ़ायदा आप पूरा पूरा ले और इस तरीके से कपड़े सुखाएंगे तो कम दस मिनट में ही आपके कपड़े जो है अच्छी तरीके से सूख जाएंगे कड़क सूख जाएंगे एक और आखिरी तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है कई बार ऐसा होता है कि हमारा एकदम नया नया ड्रेस होता है और हम एक ही बार उसे पहनते हैं और जब हम इसे निकालते हैं तो क्या होता है कि सिलवटे सी आ जाती है कपड़ों के ऊपर और दूसरा पसीने के कारण थोड़ा सा कपड़ा ख़राब भी हो जाता है और फिर हमें उसे धोना पड़ता है क्योंकि उसमें स्मेल सी आने लगती है और हम अक्सर अवॉइड करते हैं कि हम अपने नए नए कपड़ों को धोएं तो ये तरीका आप उसके लिए अपना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है अगर मान लीजिए आपका नया नया कपड़ा है थोड़ी देर के लिए अगर आपने कपड़ों को पहना है और पसीने के कारण उसमें स्मेल सी आने लग गई है सिलवटें सी पड़ गई है तो आप क्या करेंगे आप एक छलनी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए एक चम्मच ये वही मीठा सोडा है जिसको हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं आप कपड़े को सीधा करके पूरे कपड़ों पर आप छिड़क दीजिए आप छन्नी की मदद से आपने छिड़क दिया छिड़क के आप इस तरीके से इसे दस से पंद्रह मिनट छोड़ दीजिए अब दस मिनट बाद जो बेकिंग सोडा हमने डाला था उसको हटा दीजिए जितनी भी स्मेल है गंदगी है धूल मिट्टी है पसीने की वजह से जो स्मेल आती है वो सारा ये बेकिंग सोडा अब्जॉर्व कर लेगा पसीने की स्मेल आपको ज़रा भी नहीं आएगी इस ट्रिक को करने के बाद और गंदगी भी पड़ी है अगर धूल मिट्टी भी लगी है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी बेकिंग सोडा जो है दोस्तों मैजिकल काम करता है चाहे फिर वो किचन की क्लीनिंग हो या फिर हमारे कपड़ों की अब आपको बस कपड़े को लेना है और धूप में सुखा देना है जहाँ पर आपको लगता है कि तेज़ धूप है वहीं पर आपको कपड़े को स्ट्रेट करके डालना है इन कपड़ों को हम नेचुरली आयन कर रहे हैं दोस्तों धूप के कारण नेचुरल आयन हो रहा है कपड़ों को आप देखेंगे 20 से 25 मिनट में आपका कपड़ा जो है अच्छी तरीके से आयरन हो जाएगा धूप के कारण तो हमें अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए ना बिजली खर्च करनी पड़ी है और ना ही हमने प्रेस का यूज़ किया है दोस्तों जितना भी हमने यहाँ पर ट्रिक्स इस्तेमाल करा है इसमें आपको एक पैसा खर्च करना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको बिजली का कोई बिल आने वाला है ये तरीके हाउस वाइफ्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं कोई बैचलर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्टल के बच्चे जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, ना भूलें हो सके तो अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर